साइकिल बाबा की इस विश्व यात्रा के 69वें देश में आपका हार्दिक स्वागत है। और जिस दिन होता है ना फिर पूरा रुला देता है, हजारों डॉलर पे करते हैं यूएस यूरोप से लोग जो हंटिंग के शौकीन है ना। आगे आगे चंद्रमोहन सर जा रहे हैं तो वो मुझे एस्कॉर्ट कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, की हाल चाल भाई लोगों। मैं आपका दोस्त, आपका भाई डॉक्टर राज साइकिल बाबा विश्व साइकिल यात्री एक बार फिर आ गया हूँ। और अभी हम हैं साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका के लास्ट सिटी में हैं। हमारे यहाँ से अब जो बॉर्डर है वो लगभग 100 किलोमीटर रह गया है। तो आज हम इस वीडियो में बॉर्डर क्रॉस करेंगे। कैसे बॉर्डर क्रॉस होता है वो सब आपको मैं बताऊँगा भाई। और ये रूम था रात को मेरा, जो कि मैंने यहाँ पर रात को लिया था, 1500 रुपये में मिला था मुझे। और अच्छा सा रूम था, सबसे अच्छी थी किचन। और मैंने अभी तैयारी कर ली है अपनी सारी। ये एक्चुअली फार्म हाउस है किसी का, तो उधर बेड पाल रखे हैं उन्होंने, ये उनके डॉग्स हैं और कुछ मुर्गे वर्गे भी पाल रखे हैं, तो अच्छा बना रखा है। इधर ये देखिए अपनी खेती वेती भी यहीं थोड़ी बहुत करते हैं, और पेड़ पौधा अच्छा प्लांटेशन कर रखी है। तो अब हम गन्नों को पैक करते हैं। आज हमें थोड़ा फास्ट जाना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी दूर जाना है, तो 100 किलोमीटर है और साथ में चढ़ाई है 600 मीटर की, तो थोड़ा फास्ट जाएंगे। इनको बोलते हैं गेट खोलें मेरा एक बार। तो सर को मैंने चाबी दे दी है और अब हम निकलते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जिसके अंदर हम थे ये तो गेस्ट हाउस बना रखा है इन्होंने, खुद का रेजिडेंस है उसी में गेस्ट हाउस बना। इसका जो पूरा एरिया उसमें इलेक्ट्रिक फेंसिंग हो रही है। जब मैं अंदर से निकला तो मैंने उनको कहा कि गेट खोल दो, तो उन्होंने ये गेट खोल दिया भाई। ये भी इलेक्ट्रिक गेट है, अपने आप ही बंद होता है, अपने आप ही चलता है जब रिमोट से स्टार्ट होता है उधर से। इधर हिरन वीरन सब हैं यहाँ पे खड़े हैं। ये देख कुदरा पेड़ पौधों में घुस गए ना नज़दीक देख के, क्योंकि हंटिंग होती है तो इनको पता, आदमी से डर लगता है इनको। सुप्रीम गेम ब्रीडर्स, ठीक है। कैंपिंग है, हाइकिंग है, एमटीबी बाइसाइकिल है, हंटिंग है। तो ये हंटिंग के लिए जानवरों को पालते भी हैं, और पूरा खुला एरिया है इसके अंदर छोड़ देते हैं, तो लोग हंटिंग करने के लिए आते हैं, हज़ारों डॉलर पे करते हैं यूएस यूरोप से लोग जो हंटिंग के शौकीन है ना, क्योंकि उन देशों में बैन हो चुके हैं, यहाँ पे अभी बैन नहीं है। और मैं तो चाहता हूँ कि यहाँ पे सरकार को बैन कर देना चाहिए यार, जानवर को क्यों मारना और बिना किसी रीज़न के मारना, तो गलत है। पूरा पूरा पहाड़, पूरा 20-20 किलोमीटर के, 30-30 किलोमीटर के ऐसे लोगों ने अपने पर्सनल प्राइवेट बनाए हुए हैं। हमारे एक दोस्त मिल गया, व्हाट्स योर नेम ब्रदर? मालेपुरा। तो भाई ने गाड़ी रोक ली थी, पीछे ट्रक खड़ा है इनका, और वार्तालाप होती है। तो मैं कहता हूँ ना कि ट्रक वाले मेरे सबसे अच्छे दोस्त होते हैं, तो एक दोस्त और मिला। पुरानी एंटीक चीजें रखी हुई है सारी यार, क्या फूल खिले हैं यार एक पेड़ पे। कुछ खाने का लिया है, ये पिक एंड पे है। सो हाउ आर यू, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज गुड। तो भाई कॉफी और ये खा के, स्पिनिच है इसके अंदर, तो ये वेजिटेरियन मिलता है कभी कभी कहीं कहीं पे, अदरवाइज वेजिटेरियन मिलता नहीं है। दन्नों को वहाँ खड़ा किया है। बॉर्डर 60 किलोमीटर आया, तो देखता हूँ यार किस टाइम तक पहुँच पाऊँगा। पर ये ना यहाँ से सर दर्द हो रहा है एक आँख के ऊपर से, अचानक से पता नहीं है, सुबह से ही हो रहा है। मैंने सोचा कि टेबलेट ना लेनी पड़े, पर कुछ खाया नहीं था, तो अभी कुछ खा के फिर ही कुछ लूँगा यार। इसके बाद में एक पैरासीटामोल की टेबलेट खानी पड़ेगी मुझे लग रहा है जहाँ पर। बाकी देखते हैं, 60 किलोमीटर, नए देश में जाने की तैयारी, नए देश में जाने की खुशी। हेडेक ठीक नहीं हो रहा, मैंने सोचा कॉफ़ी पी के ठीक हो जाएगा, तब को टेबलेट लेता हूँ। इसमें देखता हूँ तो पैरासीटामोल पड़ी है क्या। इमरजेंसी किट निकाली है यार, इसमें कोई मिल जाएगी और लेके। अब तो नोजिया भी होने लग गया साथ में, पैरासीटामोल मिल गई है। होता है मेरे साथ कभी कभी ऐसा, और जिस दिन होता है ना फिर पूरा रुला देता है। और ये होता सिर्फ खाने पीने की वजह से ही है, पता नहीं क्या होता है। लीव इट, टेबलेट लो और मस्ती करो। बॉर्डर 55 किलोमीटर रह गया है, तो आराम से धीरे धीरे निकाल देंगे। 12 बजे हैं,
चार पाँच बजे तक पहुँच जाएंगे। My name is Manyane Hanyan. Manyane, and what is this? Ostrich. Ostrich. Yeah. Oh, nice. My nice name is Hanyan. Hanyan. Yeah. एक डेढ़ घंटा रेस्ट करके थोड़ा सा चलाऊँ, वोमिट आ गई है यार। अभी पता नहीं है, 50 किलोमीटर तो रह गया है, पर निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा, नहीं तो कोई गेस्ट हाउस देखता हूँ यार आज। तो रास्ते में छोटा सा गांव आ गया यार, गांव में मुझे एक ही दुकान दिखी, ये दुकान भी हमारे बांग्लादेशी भाई। ये क्या है भाई? दे दो, कितना देगा? दो ही दे दो। और मैंने इनसे थोड़ा संतरा लिया यार। अभी बॉर्डर 40 किलोमीटर रह गया, मैं चल पड़ा था वहाँ पे। अभी मेरी हालत जो है ठीक है, थोड़ी सी नोज़िया वोज़िया ठीक हो गया था, तो 40 किलोमीटर तो निकाल दूंगा। अभी 2 बजे हैं और भाई संतरा खा लूँ थोड़ा सा और बॉर्डर पे जाना है फिर। सन थोड़ा सा पेनिट्रेट कर रहा है। ये लगभग लास्ट से गांव आ गए हैं और यहाँ पे साउथ अफ्रीका साइड में भी यहाँ पे गरीबी दिखनी शुरू हो गई है। थोड़ा सा जैसे अफ्रीकन टच आ गया है, जो साउथ अफ्रीकन टच था ना वो ख़त्म हो गया है। घर भी कच्चे बच्चे दिखने शुरू हो गए हैं और आदमी भी फ्रेंडली हो गए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि बहुत सोना फ्रेंडली मिलेगा। कहते हैं ना कि गाँव का ढंग तो बिटोड़े बताते हैं। हेलो, हाउ आर यू? काफ़ी चढ़ाई थी यार साउथ अफ्रीका में, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ज़्यादा नहीं तो मैंने 30,000 का एलिवेशन कवर किया होगा। वो कभी एक दिन मैट के देखूंगा तब बताऊंगा टोटल कितना हो गया होगा, पर अप्रोक्सीमेट आइडिया है। और अब मैं लास्ट चढ़ाई चढ़ रहा हूँ, इसके बाद डाउन और बाय बाय टू साउथ अफ्रीका। खट्टा मीठा एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त रहा साउथ अफ्रीका का। और जिन भी भाइयों ने मुझे सपोर्ट करी है, नीरज, अनीता दी, अमित भाई, शर्मा जी, घोष भाई और जैन साहब और नायडू आंटी, आप सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद जी। और भारतीय दूतावास को हम कैसे भूल सकते हैं, जहां मीठा होगा वहां खट्टा तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ऐसा भी एक्सपीरियंस रहा। बॉर्डर सिर्फ और सिर्फ 5 किलोमीटर रह गया है। सेफ्टी इश्यूज़ थे बहुत सारे, खैर वो तो पार्ट ऑफ जर्नी है। नया देश होगा बोत्सवाना। बॉर्डर पे हमारे एक बड़े भाई हैं चंद्रमोहन जी दिल्ली से, वो हमें ऑलरेडी लेने के लिए आ चुके हैं बॉर्डर पे। एग्जिट की स्टैंप लगवानी होगी ना सर? कैसे हैं आप? बस ठीक है, आप सुनाओ। मैं गाड़ी खड़ी करके हम गले मिलेंगे। साइकिल बाबा की इस विश्व यात्रा के 69वें देश में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम पहुंच गए बोत्सवाना बॉर्डर पे और बॉर्डर से अब हम अंदर की तरफ प्रस्थान करेंगे। तो वेलकम वेलकम टू ये बोत्सवाना साइड का इमिग्रेशन है यार। और अब हम बोत्सवाना के अंदर ऑफिशियली इंटर कर गए हैं। ये पूरा एरिया जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये सारा बोत्सवाना का जो बॉर्डर है वो तैयार हो रहा है। एक्चुअली ये काफ़ी बड़ा बॉर्डर है, लोबासे करके कोई जगह है, वहाँ से मैंने इंटर किया है बोत्सवाना में। तो इसके अपोजिट साइड साउथ अफ्रीका है, तो और यहाँ से नामीबिया के लिए ट्रक बहुत जाते हैं। ये हाईवे A2 जो है विंडहॉक जाता है, जो नामीबिया की कैपिटल है। बोत्सवाना साइड में तो
वही पुराने से फीलिंग आ गई है अफ्रीका वाली दोबारा से। साउथ अफ्रीका में ऐसा लग ही नहीं रहा था कि अफ्रीका में घूम रहा हूँ, ऐसा लग रहा था यूरोप में घूम रहा हूँ। पर सेफ है यार बोत्सवाना। आगे आगे चंद्रमोहन सर जा रहे हैं तो वो मुझे एस्कॉर्ट कर रहे हैं। 8-10 किलोमीटर जाना है हमें वहाँ पे, फिर आज रात का स्टे करेंगे, कल सुबह निकल जाएंगे गैब्रोन कैपिटल सिटी। एक्चुअली सर क्या है कि मेरे को लेने दूसरी तरफ ही चले गए थे, साउथ अफ्रीका की तरफ गाड़ी लेके बॉर्डर क्रॉस करके। मैं अपने धन्नों से धीरे धीरे करके पहले उधर वाला इमिग्रेशन क्लियर किया, फिर इधर वाला किया। इधर वाले में टाइम लगना था, पर जो ट्रक ड्राइवर थे वो दोस्त तो होते ही अपने, तो मैंने उनको बोला कि यार जाने दो ना। वो बोले कि जाओ जी, आपका तो मोस्ट वेलकम। तो वीज़ा हमने बोत्सवाना का जो है साउथ अफ्रीका प्रिटोरिया से लिया था, वीज़ा हमारा 20 दिन में आया था। बहुत लंबी स्टोरी है, रूम पे जाके बताऊँगा। पहला शहर आ गया, पहला शहर या टाउन कह सकते हो बोत्सवाना साइड में, लुबाद से सन आ रहा है, दूसरी साइड से दिखेगा नहीं नाम। ड्राइवर है बस, कोई चक्कर नहीं हमें तो। धरनों को रख दिया यहाँ पे, एंजॉय सर। सिम कार्ड आ गया सर, लेके आ गया। पहले उनको पता था कि मुझे कंट्री में घुसते ही सबसे पहले सिम कार्ड की जरूरत पड़ेगी। डिनर टाइम हो गया, मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही है और मैं डिनर करता हूँ। और डिनर मेरे लिए सर जो हैं लेके आए थे, तो वो पैक करवा के लेके आए थे, उनका रेस्टोरेंट भी है यहाँ पे। सब्जी आई है एक अच्छी सी और नान आए हुए हैं, तो मज़ा आ गया आज का खाना देख के। तो